ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ओरछा रामराजा सरकार के दरबार में पहुंचे, जहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि विगत चार दिनों से विद्युत कटौती की जा रही थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य स्थिति में है। कोयला के खदानों में पानी भर जाने के कारण एवं विद्युत कंपनियों के मेंटेनेंस के कारण ये कटौती की गई थी। भविष्य में किसी भी तकनीकी कारण के ही वजह से अब कटौती की जाएगी, अन्यथा मध्य प्रदेश में हालात सामान्य है और कोई घोषित कटौती नहीं की जाएगी। कोरोना के कारण उद्योग धंधे जो बंद पड़े थे, उनको दी जाने वाली विद्युत राहत के बारे में तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन पहले से ही लोगों को एवं व्यवसायियों को सब्सिडी दे रहा है और किसी अन्य राहत के संकेत नहीं दिए। मध्य प्रदेश देश में ऐसा प्रदेश है कि जहां 21,000 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जा रही है बिजली पे, 15,000-16,000 करोड़ रुपए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, 5,000 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जा रही है। तो यहाँ तो बिजली पहले से ही सरकार सब्सिडी देके सस्ती दे रही है।